जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो इष्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है काल पुरुष कुंडली। देखिए, सबसे पहले तो इसका मतलब समझना होगा। एकदम बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करें तो देखिए, काल का मतलब होता है समय, पुरुष का मतलब होता है रूप। काल पुरुष का मतलब ये समझा जा सकता है कि समय के रूप को हम अज्यूम करके कुंडली बना रहे हैं। पुरुष और प्रकृति को हम कुछ इस तरीके से भी देखते हैं। पुरुष जो है वो कुंडली है और प्रकृति जो है वो सोलार सिस्टम है। कुंडली हम बनाने के बाद सोलार सिस्टम को उसमें डालेंगे तो जाके ये कंप्लीट होता है। अब इसे हम अगर शास्त्र अनुसार समझने की कोशिश करें तो काल पुरुष वही रूप है परब्रह्म का जो विराट रूप कहा गया है। अब विराट रूप हम सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप के दर्शन दिए थे धनुर्धारी अर्जुन को। तो हम ये समझ सकते हैं जो परब्रह्म है, जो अल्टीमेट गॉड है, उनके रूप की बात हो रही है। भगवान के उस रूप की बात हो रही है जो हमारे परमपिता है, जो परमात्मा है, उसी के अंश हम हैं, हम आत्मा हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे पिता की कुंडली की बात कर रहे हैं, हम हमारे परमपिता परमात्मा की कुंडली की बात कर रहे हैं, हम भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं। अब ये कुंडली आई कहाँ से? तो जो महर्षि पराशरा जी ने सबसे पहली कुंडली बनाई थी वो काल पुरुष कुंडली थी, भगवान विष्णु के रूप की कुंडली थी। तो आप सीधी तरीके से समझें तो भगवान विष्णु जी की जो कुंडली है वही काल पुरुष की कुंडली है। भगवान विष्णु समय को गति देते हैं, इसीलिए काल पुरुष बताया गया उन्हें। हम जितने भी व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्स से सिंक्रनाइज्ड है, उस काल पुरुष कुंडली से सिंक्रनाइज्ड है। तो जब भी सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहली कुंडली जो आपको स्टडी करनी चाहिए वो काल पुरुष कुंडली को देखना होगा। काल पुरुष क्या है, काल पुरुष की कुंडली क्यों ऐसी बनाई गई है वो आपको समझना होगा। अब आ जाते हैं कुंडली पे। तो देखिए, काल पुरुष की जो कुंडली है उसे लग्न कुंडली माना गया है, और लग्न का मतलब होता है बॉडी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये कुंडली में 12 घरों में 12 राशि प्लेस करनी है जो कि काल पुरुष कुंडली के मुताबिक है। कुंडली हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया है कुंडली कैसे बनता है। अब काल पुरुष कुंडली में पहले घर में पहली राशि होगी, दूसरे घर में दूसरे नंबर की राशि होगी, ऐसे ही जाएंगे 12वें घर तक, 12वें घर में 12वीं राशि होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख लिया है, हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है राशि चक्र। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब आप ये कुंडली को देखिए, और मैंने आपको बताया है ये एक काल पुरुष की कुंडली को हम देख रहे हैं। इसे समझने के लिए हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सर से लेके पाँव तक हमारे कौन से पार्ट्स है वो काल पुरुष कुंडली में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कुंडली थी तो इसमें राशि में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जो पर्टिकुलर हाउस है वही सेम हाउस नंबर पे वही पर्टिकुलर राशि है। कुछ समय बाद जाके ये समझ सकते हैं आप, ये हाउस है जो कि फिक्स है और ये राशि है जो चेंज हो रही है। तो बाद में जाके काल पुरुष कुंडली में तो नहीं चेंज हुई, हमारी कुंडलियों में राशि चेंज हो रही है। हाउस तो पीछे फिक्स है, राशि जो है वो चेंज हो रही है, इसीलिए हम समझ सकते हैं हम सभी के सभी अलग राशि के साथ पैदा हुए। देखिए, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि है मेष राशि, सेकंड हाउस में सेकंड राशि है, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 12 हाउसेज में 12 राशि प्लेस हो चुकी है, काल पुरुष कुंडली तैयार है। अब इसे देखना कैसे है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। जब भी आप एरीज को देखेंगे आपको सर नज़र आना चाहिए, भगवान विष्णु जी के सर पे एरीज है, हेड पे। भगवान विष्णु जी की कुंडली आपको इमेजिन करनी है और हेड पे उनके फोकस करना है, वो है मेष राशि, वो फर्स्ट हाउस और मेष राशि है। फिर भगवान विष्णु जी के जब आप फेस को देखोगे आपको सेकंड हाउस और सेकंड राशि याद आनी चाहिए। फेस क्या है? वृषभ राशि और सेकंड हाउस। जब आप भगवान विष्णु जी के आर्म्स को देखेंगे, भगवान विष्णु जी के शोल्डर और हाथ को देखेंगे, तब आपको तीसरे भाव का याद आना चाहिए, तीसरे भाव और राशि आपको याद आनी चाहिए। वैसे ही करके जब आप भगवान विष्णु जी की छाती पर नज़र डालेंगे आपको याद आना चाहिए कर्क राशि और चौथा भाव, हृदय का भाव कहा जाता है चौथे भाव को, सुख का स्थान, मन का स्थान। अब पांचवी राशि और पांचवे भाव में क्या है? स्टमक, भगवान विष्णु का पेट पांचवे भाव और सिंह राशि में है। छठे राशि को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे, छठे भाव में आता है कमर। वैसे ही आपको देखना है सातवें भाव में और राशि में, आपने देखना है कमर से हिप्स के नीचे का हिस्सा, और आठवें भाव और राशि से आपको देखना है प्राइवेट हिस्सा, नौवें भाव और नौवें राशि से आपको देखना है विष्णु जी के थाइस, दसवें घर और राशि से आपको देखना है घुटने,
ग्यारहवें राशि और घर से आपको देखना है विष्णु जी के एंकल्स, और लास्ट राशि जो है पाइसिस मीन, ये चरण है भगवान श्री विष्णु भगवान के। काल पुरुष कुंडली को जब आप देख रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग प्लैनेट उच्च और नीच होते हैं। अब देखिए, सूर्य नारायण भगवान मेष राशि में उच्च के कहे गए हैं। मेष राशि जो है ये भगवान विष्णु के सर का स्थान है, और सूर्य भगवान को हमने समझा है, सूर्य भगवान है शिव के स्वरूप। शिव जो है वो अल्टीमेट नॉलेज है, जो प्योरिफाइड नॉलेज है, सबसे प्योरेस्ट एनर्जी। भगवान विष्णु के मस्तक से भगवान शिव प्रकट हुए थे, जो कि सबसे प्योरेस्ट एनर्जी है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सोलर सिस्टम में भी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है भगवान सूर्य नारायण जी के है। और जब भगवान सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं 10 degrees एरीज में, मेष राशि के 10वें डिग्री पे जैसे वो जाते हैं, उन्हें उच्च का माना गया है। वैसे ही चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। बृहस्पति हृदय में, भगवान विष्णु के हृदय के स्थान पे गुरु उच्च के हो जाते हैं। बुद्ध देव जो है वो 6th house में ही उच्च के हो जाते हैं। लॉर्ड भी है 6th house के, और वो उच्च के भी 6th house में माने गए हैं। शनि महाराज जो है वो लिब्रा तुला राशि में उच्च के माने गए हैं। मंगल देव उच्च के माने गए हैं मकर राशि में। ये कर्म क्षेत्र है, हमने जाना था पिछले लेक्चर में, कर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा पराक्रम की ज़रूरत होती है। मंगल देव जब ये स्थान ग्रहण करते हैं तो पूरा पराक्रम दिखा पाते हैं, तो मकर राशि में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। और जब चरणों की बात आती है, समझिएगा, जब भगवान विष्णु के चरणों की बात आ रही है तो शुक्रदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य उच्च के हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी को हम लक्ष्मी जी के स्वरूप में देखते हैं, और लक्ष्मी जी हमेशा आपको विष्णु भगवान के उनके चरणों के पास आपको नजर आते हैं। और सेम वे में शुक्र जो ग्रह है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसे आपको समझना होगा कालपुरुष कुंडली, और ये कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो सभी को सिंक्रोनाइज्ड कर रही है ब्रह्मांड से। आपको, मुझे, हर किसी को कालपुरुष कुंडली ने बांध के रखा है, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सारी चीज़ें यूनिवर्स में सिंक्रोनाइज्ड है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कालपुरुष कुंडली एक लग्न कुंडली है। लग्न का मतलब बॉडी है, हम अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बॉडी को हेड टू टो आप समझिए, आप भगवान विष्णु को याद करके देखिए, भगवान विष्णु के सर से पैर तक, और सेम तरीके से आपको डायरेक्शन मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके काम आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमोस्टोर चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सही समय पर पहुँच सके। चलिए, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।